वॉशिंगटन सुंदर, नाम में भी सुंदर, काम भी सुंदर। 1329 दिनों के बाद इंडियन टीम में कमबैक किया, और क्या ही कमबैक किया, अपने करियर का बेस्ट फिगर बना दिया 7 विकेट 59 रन्स देके, और अकेले ही न्यूजीलैंड को जड़ से उखाड़ के फेंका है। बट आज का दिन उनके पक्ष में रहा या भारत के पक्ष में, ये आप डिसाइड करो, बिकॉज भारत ने भी अपना पहला विकेट खो दिया है रोहित शर्मा के रूप में। रोहित भाई एक बार फिर फेल हुए और शून्य के स्कोर में एक बार फिर टीम सऊदी के शिकार बने हैं। और इस मैच में बहुत सारे कोइंसिडेंस हुए हैं, सब बताएंगे करके। वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। तो सुबह सुबह जब टॉस होता है, टॉम लेथम टॉस जीतते हैं, रोहित शर्मा का रिएक्शन ऐसा था भाई ये क्या हो गया यार, रोहित शर्मा के पैरों के नीचे से जमीन ही घिसक गई। तो न्यूजीलैंड टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला करती है, और जैसे ही बॉलिंग स्टार्ट होता है तो पिच को देख के वैसा नहीं लगता जैसे रोहित शर्मा एक्सपेक्ट कर रहे थे, ना उतना बॉल टर्न होता है, ना बॉल फंसता है, बॉल ठीक ठाक बैट में आता है, न्यूजीलैंड अच्छा शुरुआत करता है। डेवन कॉनवे एक बार फिर हमें धोते हैं, रचिन रविंद्र एक बार फिर कुटाई करते हैं, बट हमारे स्पिनर्स क्या, दो स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर, दोनों ने जलवा दिखाया। वॉशिंगटन सुंदर ने कहा 3 तेरा बाकी मेरा, और एक कोइंसिडेंस बताते हैं, जैसा मैंने कहा था तो अश्विन अन्ना साउथ से आते हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी सेम है भाई। तो जो अश्विन अन्ना का बेस्ट फिगर है टेस्ट क्रिकेट में वो है 7 विकेट 59 रन्स देके, और सेम फिगर वॉशिंगटन सुंदर का भी आज बन गया है 7 विकेट 59 रन्स देके, जो को इनका बेस्ट फिगर है। अब कोइंसिडेंस की बात कर ही रहे हैं तो एक और कर लेते हैं। आज के दिन गिरे हैं 11 विकेट, 10 न्यूजीलैंड के, 1 भारत का, और 11 के 11 विकेट गिरे हैं पवेलियन छोर से, दूसरे छोर से एक विकेट नहीं गिरा है। बल्लेबाज कहने लगे हमें बॉलर से नहीं पवेलियन एंड से डर लगता है। तो वॉशिंगटन सुंदर की शानदार गेंदबाजी के चलते भारत 259 पे न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर देता है। बट फिर आती है भारत की बैटिंग, मात्र 10 ओवर खेलने होते हैं तो भारत बिल्कुल शट डाउन करके स्टार्ट करता है, और 11 ओवर की समाप्ति पर इंडिया 16 रन पे 1 विकेट है इस समय। अब मुझे जो लगता है कल के लिए प्रेडिक्शन क्या होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कल आपको 81 दिख सकता है, मैं नाम नहीं लूंगा क्या है वो भी नहीं बताऊंगा, कल आपको 81 दिख सकता है। अब ये समझो ना, तो पनौती लग जाता है भाई, समझा करो, आपको 81 दिख सकता है, आपको ऋषभ पंत का 7वां दिख सकता है भाई, 7th, समझो मैं नहीं कहूंगा मेन वर्ड भाई, 7th आपको ऋषभ पंत से देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, और घर में चल रहा है सफाई, तो आज के लिए वॉइस वाला वीडियो, तो मिलते हैं कल फेस वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।